हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को रतिया में किसानों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर प्रगतिशील किसानों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि पिछले 12 साल में प्रदेश में भूमिगत जल स्तर दोगुनी गहराई पर जा चुका है, जो बहुत गंभीर विषय है। यदि समय रहते इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने किसानों को बताया कि भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए प्रदेश सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें बोने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में राई सूट योजना फिर से शुरू की जाएगी। इसके तहत बरसाती मौसम में 20 एकड़ वाले किसान को नहर से स्पेशल मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवेदन करने वाले सभी इच्छुक किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा SYL नहर व हांसी बुटाना नहर में पानी लाने के गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें अपने पास उपलब्ध पानी के उचित इस्तेमाल की ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि भूमिगत जल स्तर को बचाए रखने के लिए सरकार ने प्रदेश के उन क्षेत्रों में 1,00,000 हेक्टेयर जमीन पर धान के स्थान पर मक्का, कपास, दलहनी फसलें, बाजरा व फल सब्जी आदि की फसलें उगाने का लक्ष्य रखा है। जहां भूमिगत जल का इस्तेमाल करते हुए धान की फसल ली जाती है, अब तक प्रदेश में 42,000 किसानों द्वारा 55,000 हेक्टेयर जमीन पर धान ना बोने के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। हमको जानकारी है कि हमने पानी के संकट को दूर करने के लिए, वैसे तो हमारे कई प्रयत्न चल रहे हैं, चाहे उसमें SYL हो, चाहे उसके अंदर लखवार डैम, किसाओ डैम, रियास की रेणुका डैम, इन सब के विषय चल रहे हों। और पिछले 2 वर्ष से हमने एक मुहिम और चलाई कि लोग धान की बिजाई कम करें, क्योंकि 1 किलो चावल में 4,000 से 5,000 लीटर पानी खपता है। तो किसानों को अपील की थी, जहाँ पानी बहुत गहरा चला गया, खास करके अगर मैं कहूँ तो 40 मीटर से भी नीचे पानी जहाँ चला गया है, ऐसे क्षेत्रों में किसानों को अपील की थी कि अपने धान की बिजाई कम करें। मुझे खुशी है इस बात की कि अभी तक 55,000 हेक्टेयर जमीन के ऊपर धान ना बोने के लिए लगभग 42,000 किसानों ने और अपने फार्म भरे हैं। एक बड़ी संख्या में किसान आगे आ रहे हैं। हमारा टारगेट है 1,00,000 हेक्टेयर का। तो 1,00,000 हेक्टेयर, क्योंकि बहुत सी जगह पर फार्म भरे जा रहे हैं और अभी धान की बिजाई में समय भी शेष है, ये जून के महीने में मुझे लगता है हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। और किसान आगे आ रहे हैं, सिरसा ब्लॉक और रतिया ब्लॉक में तो बहुत से किसानों ने कहा कि हम धान छोड़ करके और कपास की खेती पर भी आएंगे। कुछ लोग मक्के की खेती पर आ रहे हैं, कुछ दालों की खेती पर आ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सब्जियां और बागवानी इसके ऊपर भी किसान आ रहे हैं। पानी बचाने की जो पहल हमने की है, किसान इससे सहमत है। कठिनाई यदि है तो एक ही है कि जिस इलाके में फ्लडेड एरिया है और वहाँ डाकर की ज़मीन है, वहाँ जिनको लगता है कि धान के अलावा कुछ और हो नहीं सकता, वहाँ भी हमने कहा कि जितना भी आप पानी की रिचार्जिंग के लिए बोर करवा सकते हैं, सरकार भी उसमें सहायता करेगी, उतने बोर करवा करके पानी को ज़मीन के अंदर डालना चाहिए ताकि हमारा पानी ज़मीन का लेवल नीचे ना जाए। या बिना ट्यूबवेल चलाए अगर वो धान लगा सकते हैं, उसमें हमें आपत्ति नहीं है। तो ट्यूबवेल से ही पानी का जो लेवल बहुत नीचे चला जाता है। और ये अपील इसलिए की है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, जहाँ ज़मीन विरासत में दे करके जाते हैं, पानी भी उनको विरासत में दे करके जाएं, हमारी ज़मीन पानी के साथ ये विरासत के अंदर जाना चाहिए, तभी हमने इसका नाम रखा है मेरा पानी मेरी विरासत। तो इस संबंध में आज रतिया ब्लॉक के किसानों से बातचीत हुई, बहुत ही सकारात्मक बातचीत रही और सब लोगों ने अपने सुझाव भी दिए और काफी लोगों ने इस बात को माना भी है कि हाँ, हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।